हेलो दोस्तों, स्वागत है नए ब्लॉग में। मैं इस ब्लॉग में आपको दो लोकेशंस को मतलब विजिट कराऊंगा। पहला लोकेशन ये है हमारा मुक्तेश्वर और दूसरा जौली की चौली, ऐसा समथिंग नाम है। तो यहाँ पे हम ही आपको ले चलेंगे। तो अभी मैं रास्ते में हूँ। ये रास्ता जो गया है ये मुक्तेश्वर जाता है और रास्ते में एक मतलब वाटरफॉल पड़ता है जो कि भालूगढ़ वाटरफॉल नाम से है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी आपको विजिट कराऊंगा। तो ये है सेकंड पार्ट, आप बने रहिए और आपको हम अच्छी अच्छी लोकेशंस विजिट कराएंगे। पहले पार्ट को आपने देख लिया हो तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ भाई बढ़िया था। अगर नहीं है बढ़िया तब भी कोई बात नहीं, हम तो डालेंगे, आप लोग इंजॉय करते रहिए। तो भालूगढ़ वाटरफॉल जो है मुक्तेश्वर के रास्ते पड़ता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये भालूगढ़ वाटरफॉल कैसे कहाँ पे है। और स्कूटी को मैंने यहाँ पर पार्क कर दिया, ऐसे ही आप लोग पार्क कर सकते हो। और ये सब लोग चल पड़े भाई, तो हम भी चलते हैं और आपको ये आपको दिखाते हैं छोटा है बड़ा है कैसा है ये नहीं पता, लेकिन हाँ इन्जॉय करने के लिए अच्छी प्लेस है। तो मुक्तेश्वर के रास्ते में पड़ता है, ठीक है। तो जाते वक्त आप यहाँ पर कवर करके ये तो जाइए। यहाँ से थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, वाटरफॉल जो है 940 मीटर पर है। तो लेट्स सी कि कैसा है क्या, ठीक है। क्या हुआ, पानी पानी नहीं नहीं है। मैं बोल तो रही थी रास्ते में कहीं पानी ना दिखा मुझे, हटो। भाई हम लोग इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए और ये देखो वाटरफॉल में पानी नहीं है। चलो चलो जल्दी चलो, अरे नहीं रोना मत, स्कूटी उठाओ चल दो गाइस। सो फाइनली दोस्तों हम मुक्तेश्वर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये हर्षित भाई रुका था बता रहा है, ये सोले लॉज में, ये आप देख सकते हो सुंदर सा है। क्या चार्जेस थे? 2000 रुपये, 5 लोग 2000 रुपये में सिर्फ 5 लोग रुके थे। मतलब कि यार बढ़िया रिजॉर्ट, ठीक है रिजॉर्ट है, समझ रहे हो ना। तो वो सही है, सस्ता है, लेकिन सीजन में नहीं आया था, ये सीजन है इस टाइम पे महंगा है। तो चलो मिलते हैं आपको मेन मंदिर में। सो फाइनली हम लोग मुक्तेश्वर पहुंच गए और बाइक को ऐसे यहाँ पे पार्क कर दिया और यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है। तो ट्रैक आपको अभी दिखाएंगे। यहाँ पे आपको ऐसे छोटे छोटे दुकानें मिल जाएंगे इसे नाश्ता वगैरह करने के लिए। ये है मुक्तेश्वर बाबा का मेन मंदिर का मेन गेट। थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता है और ये वाला जो ट्रैक गया है ये कहाँ गया है? चौली की जाली। चौली की जाली, तो इधर से ही हम लोग चौली की जाली जाएंगे बाद में। अभी चलते हैं महादेव जी के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो अभी हमने दर्शन कर लिया, मतलब फोटोज और वीडियोस वैसे मंदिर में अलाउज नहीं होते, तो वैसे यहाँ पे भी नहीं था। और अगर सच्चे मन से देखा जाए तो करना भी नहीं चाहिए हमें। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो आए हमने नीम करौली से, यहाँ का डिस्टेंस था 65 या 55 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, वाटरफॉल मिला नहीं। और ये आप देख सकते हो, मतलब एक तरीके से मुक्तेश्वर महाराज जी के दर्शन भी हो गए और यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो कितना सुकून भरा लोकेशन है, मतलब यहाँ ये अब यहाँ नीचे आगे से नीचे जाकर आगे हमको चलना है चौली की जाली, वो लोकेशन है मतलब एक तरीके टूरिस्ट के लिए। वहाँ पे हम लोग आके बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं और आप लोग भी आइएगा। हमारा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको लास्ट की वीडियो में बजट बताऊंगा यहाँ पे आने का। जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में पार्ट वन में बताया था बजट आने का, जाने का, कैसे आएँ, कहाँ रुके, क्या स्टे करें, है ना, सारी चीज़ें, और कब कौन सा टाइम बेस्ट है आने का, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आप बने रहिए। सो फाइनली अभी हम लोग चौली की जाली के रास्ते पर हैं और हम चार इसमें क्या हट 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 बाबा जी जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। यार एक तो नहीं होते, ये और भी होते हैं। छोटा है, इसके पापा जी कहाँ हैं? भाई चल लो यार उसके साथ, जाने दो जाने दो, चलो पहाड़ी साफ है। सो फाइनली वी आर इन चौली की जाली। आप ये देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है और ये जो है मतलब ये रॉक्स जो हैं, ये एक टेक्सचर आप देख सकते हो कितना प्यारा है। और यहाँ पे आपको मतलब नाश्ते वगैरह का सारा सुविधा मिल जाता है। बढ़िया लोकेशन है भाई, मतलब कि बहुत कम बजट में आप आ सकते हो एक नंबर। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने फोटोज़ वगैरह क्लिक करा ली जौली की जाली पर। यहाँ की एक मान्यता है मैं बताना चाहूँगा, शिवरात्रि के दिन यहाँ पे थोड़ा आगे एक गैप है, होल है, जिन लेडीज़ को बच्चे नहीं होते ना
उनको ऐसे गैप से क्रॉस किया जाता है, तो वो मान्यता होती है मतलब कि फिर आगे जाके है ना बेबीज वगैरह हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ करने को भी मिल जाता है, जिप लाइन हो गया और ये बो एन एरो हो गया, ये सारी चीज़ें बस अफोर्डेबल प्राइस पे होता है, मतलब 250-300 ऐसे होता है एक पर्सन का। भाई कह रहा मुझे मीडियम ले लो, मैंने ले लिया। ये मैगी देते हैं भाई 5 पे 1 फ्री, 5 पे 1 फ्री 10 में 2 फ्री। सबसे पहली दुकान जो मिलेगी 5 पे 1 फ्री है, 10 पे 2 फ्री है भाई, बाकी मजा आ गया। हाँ दोस्तों, अभी मैं मुक्तेश्वर सब करके वापस आ गया और अभी रास्ते में खड़ा हूँ, थोड़ा आराम कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा अभी चाय वाय पियेंगे और बाकी मैं वहाँ से आ गया और मैं आपको दिखाना चाहूँगा बाइक स्कूटी। तो नैनीताल में अगर सीज़न रहता है तो सीज़न के टाइम पे ये स्कूटी मिलती है हमें करीब करीब 600 रुपये पे, मान लो 600 रुपये पर डे। अगर आप सुबह उठाते हो तो आपको इसे शाम को देना पड़ेगा, और अगर आप दिन में मतलब किसी भी टाइम अगर आप उठाओगे आपको शाम को 6 बजे स्कूटी देना ही पड़ेगा। तो ये होता है स्कूटी लेने का सीन, ठीक है। तो बाकी चीज़ें अब आपको हम नैनीताल पहुँच के बताते हैं, वापस आ गए हैं। बाकी स्कूटी बढ़िया थी, एंटॉर्क है। तो रास्ता थोड़ा भटक गया था, हमें ऊपर वाले रोस्ट से ऐसे करके जाना था पहाड़ उठ साइड। सो गाइस, ये लोकेशन देखने के बाद ना मेरा मन नहीं माना, मतलब एक नंबर ऑफ ग्रिड लोकेशन है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं स्कूटी ऊपर वहाँ पे पार्क कर दिया, वहाँ पे पेड़ के पास, और वहाँ पे पार्क करके मैं आ गया। लेट्स सी, ये देखो क्या ब्यूटीफुल सा नज़ारा भाई, ये आप देख सकते हो, वाह। और सनसेट भी यहीं पर है, तो अभी यहाँ से मैं आपको अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों, मैं घर आ गया और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या बजट आया था घूमने का। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे कि मैंने आपको टिफिन टॉप और नैनीताल का दिखाया था सारी चीज़ें, और इस वीडियो में मैंने आपको वाटरफॉल जो कि बंद था है ना, भालूगढ़ वाटरफॉल वो बंद था, तो वो मैंने कवर कराया। और दूसरा जो लोकेशन था वो लोकेशन था अपना मुक्तेश्वर महादेव और चौली की जाली, ये 3 चीज़ मैंने आपको यहाँ पर कवर कराई है। तो इन तीनों चीज़ में मतलब स्कूटी का चार्ज हो गया 600 रुपये पर डे, और रूम इस सीज़न जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो में भी सीज़न चल रहा है, ये मई टू सितंबर तक सीज़न होता है नैनीताल का, तो बहुत ही महंगा होता है, 3,000-3,500 के नीचे रूम नहीं मिलना। और बस का किराया 120 रुपीज़ पर पर्सन, ठीक है, और कैब वगैरह खरीदते हैं तो 250 रुपये पर पर्सन। ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी थी पहले, मैं दूसरे में भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आप सोच के जाएँ, अगर अप्रैल लास्ट मंथ के 20 से और आप लास्ट सितंबर तक आते हैं तो ये एक्सपेंसिव रहता है नैनीताल, ये ध्यान रखें। बाकी यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। अभी मैं घर पे आ गया हूँ, तो घर पे भी आज बारिश वारिश हुई है, तो सारा कुछ सही है, गर्मी लेकिन बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बारिश ही ज़्यादा हुई नहीं है। तो ठीक है, हैव अ नाइस डे, इन्जॉय करिए ब्लॉग को, और आगे ऐसे ट्रैवल ब्लॉग आते रहेंगे क्योंकि आगे भी मेरा प्लान बन चुका है बहुत अच्छी प्लेस जाने का। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।